अपर क्लास गोरखपुर में स्वागत है। साथियों, हम जो डेसिमल का प्रश्न बता रहे थे उसी के आगे हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप प्रश्नों को निकालेंगे, भिन्नों को कैसे बताएंगे। इसमें पूछता है छोटी संख्या बड़ी संख्या, जैसे 1/2 हमने कल बताया था आपको, 1/2 1/3। जो लोग आज चैनल को देख रहे हैं वो कल चले जाएंगे, फ्रैक्शन के पार्ट में देख लेंगे, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट अवश्य देख लें। इसके बाद आज का पार्ट आया हुआ है, तो साथियों जो लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास जो वीडियो जा रहा है वो आपके पास पहुंच जाए। अब साथियों हम चलते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम बताएंगे कि बड़े से बड़े क्वेश्चन दिया जाए उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दे दिया जाए, हमने दो मेथड से बताया था आपको, पहला मेथड और दूसरा मेथड। जैसे हमने आपको कहा था, आज भी हल्का सा चर्चा करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में हमने कहा था 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है, तो दो मेथड से हमने इसी को सॉल्व किया था। पहला मेथड जो हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट में, आइए इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 हो गया, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो ये जो है 2 क्या है, छोटा हो गया, तो ये वाली इसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो ये क्या हो गई, छोटी हो जाएगी। 3 क्या है, बड़ा हो गया, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये कौन मेथड है, ये पहला मेथड हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड में करना क्या है, यदि हर बड़ा हो, ऐसे 1/2 दे दिया जाए, 1/3, हर क्या है, बड़ा है, अंश क्या है, छोटा है, तो ये मेथड सेकंड वाला जो मेथड है ये अच्छा मेथड है और इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है आपको कितना भी लंबा क्वेश्चन देगा इस मेथड से करने में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें करना क्या है, यदि हर बड़ा है अंश छोटा है, तो ऐसे अंश को वही लिखेंगे और हर में से अंश को क्या करेंगे, घटा देंगे, फिर यहाँ बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ये पता कर लीजिए कि इसका एलसीएम क्या होगा। पहला अब ये तो हमने घटा दिया, सेकंड जो स्टेप में आएगा हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं और फिर क्या कर सकते हैं, एक मेथड एलसीएम। तो एलसीएम लेके देख लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो गया तो ये वाली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और ये 1 क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये वाला छोटा हो गया। इस मेथड से भी कर सकते हैं, जब नीचे आ जाए तो सबका एलसीएम इजी हो जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दे दिया जा, हमारे पास ये दे रहा 15/16, 15/16 दे दिया जाए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है 15/16 फर्स्ट क्वेश्चन, 19/20 ऐसे देखिएगा। अब कहेगा इसमें जो है सबसे छोटी और सबसे बड़ी, अब इसमें सबसे आसान है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे आसान तरीका और ट्रिक देख लीजिए क्या है, तो इसका सबसे इजी है, इसमें हमने कहा कि ये देख लीजिएगा कि हर सबका बड़ा है कि नहीं, आपस में कैसे कंपेयर करेंगे। यहाँ हमारे पास 35 है, यहाँ 34 है, तो ये बड़ा हो गया और ये क्या है, छोटा हो गया। ऐसे यहाँ देख लीजिए, ये बड़ा है और इसके ऊपर चले जाइए, ये छोटा है, फिर ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, ये क्या, छोटा है। तो इस प्रकार आपस में जब आप कंपेयर करेंगे और आपको जब दिख जाए कि हर क्या है, हर बड़ा हो गया, तो इसको करेंगे कैसे ट्रिक में, तो इसको अंश को वैसे रखना है। अब हर में से 16 में से 15 चला गया, क्या करेंगे, 16 में से 15 गया 1, फिर यहाँ क्या करेंगे, ऊपर वाले को रख लेंगे अंश को, नीचे वाले 20 में से 20 को घटा देंगे, कितना हो गया, 1, 24 हो गया, 25 में से 24 गया 1, 34, 1। अब जिसका ऊपर वाले का बड़ा होगा इसमें, क्योंकि हर समान हो गया, जब हर समान हो जाए, पहला
हर क्या हो जाए, समान हो जाए, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा होता है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा है तो बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, इसी के ऊपर चढ़ जाइए, तो आंसर आपका हो जाएगा 34/35, ये बड़ी हो जाएगी और छोटी क्या होगी, छोटी आपका 15/16 हो जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आएंगे इसी मेथड से अब आपको करना रहेगा। तो साथियों, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन और दे देते हैं, जैसे बड़े से बड़ा क्वेश्चन देंगे, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई होने लगता है तो वो बड़ा हो जाता है, उसको नहीं कर मिलेगा। अब हम चलेंगे जैसे 39/40, फिर आपका हो जाए कि 41/42, अब बड़े से बड़े क्वेश्चन चलना है, फिर आपका हो जाए 56/57 हो जाए, फिर आपका 71/72 हो जाए, 72 हो जाए, ठीक। अब ये भी इसी तरह है कि बड़े से अब क्रॉस नहीं करना है, और जब क्रॉस करेंगे तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि हर सब में बड़ा हो गया, हर बड़ा है, अंश क्या हो गया, छोटा हो गया। आपस में देख लीजिएगा, आपस में जब कंपेयर करेंगे, आपस में तुलना करेंगे, तो हर क्या हो गया, बड़ा हो गया, अंश क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आपको करना क्या है, अंश को रोक लेना है और हर को 40 में से 39 गया एक, फिर ऐसे कर लेना है 42 में से 41 गया एक, फिर आपको करना था 57 में से 56 गया एक, फिर यहाँ क्या बचा एक। अब सबसे बड़ा ऊपर वाला हो गया तो ये क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई, तो सबसे बड़ी कौन हो गई, ये हो गई, और सबसे छोटी कौन हो गई, बड़ी हो गई, और सबसे छोटी आपका ये हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा घटा के ही करना चाहिए, क्योंकि लाभ मिलता है उसका। अब जब जो है हर क्या हो, समान ना आवे, घटाने पे समान नहीं आता, तब क्या करेंगे, उसके लिए चलते हैं, कैसे करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास दे दिया जाए 3/7, आइए चलते हैं 3/7 दे दिया जाए, फिर क्या कह जाए 3/8 कर दिया जाए, 5/11 कर दिया जाए, 9/16 को अवरोही क्रम, आरोही, आरोही क्रम का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर, क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको ट्रिक इसी तरह, क्या ट्रिक लगाना है आपको, आइए देख लीजिए। हमने कहा है कि हर जो है अंश से बड़ा है, तो अब आपको करना क्या है, पहले वाले मेथड से करना है 3/7 में से 3 गया 4, फिर यहां 3/8 में से 3 गया 8 में से 3 गया 5, फिर 5 ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाला सेम रहेगा, 11 में से 5 गया 6, फिर 9, फिर क्या करेंगे 16 में से 9 गया 7। तो यहां दो तरीके से, पहला नीचे का एलसीएम ले सकते हैं, या डायरेक्ट अब आप इसको कर सकते हैं, दो तरीका हो गया। डायरेक्ट आप करिए, डायरेक्ट क्या करना होता है, भाग देना होता है, तो 4/3 में भाग नहीं जाएगा, सब जगह पॉइंट लग जाएगा, 4/7 28, 4/5 20 हो गया, फिर 5/6 30 हो गया, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 6/8 48 और 6/3 18 हो जाएगा, 7/1 7, 2 बचा 7 2 14। अब पूछ रहा है आरोही क्रम, कौन क्रम कह रहा है, आरोही क्रम में करना है, तो आरोही में सबसे छोटे वाले को हमको लेना है, तो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, तो सबसे छोटा है आपका ये दिख रहा है, तो सबसे छोटा है आपको ऐसे लेना है, तो 3/8 हो गया। अब ये सबसे छोटा हो गया, उसके बड़े में कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, 3/7 हो जाएगा, उससे बड़ा ये दिख रहा है तो ये हो जाएगा 5/11 हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 9/16 हो जाएगा।
तो आपको दो ही स्टेप में तो हुआ है, एक स्टेप तो प्रश्न दिया दो पहला दूसरा उसके बाद आंसर आ गया, तो दो स्टेप करेंगे और जब आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो और जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। केवल करना क्या है, केवल पहले में आपको सेपरेट, दूसरे में भाग, तीसरे में आंसर आ जा रहा, तो दो ही स्टेप का तो है। इसमें ऐसे भी पूछ लेता है, सबसे बड़ा इधर वाला होता है और सबसे छोटा क्या होता है, इधर वाला होता है, तो छोटी संख्या ऐसे पद्धति हो जाएगी कि ये इधर वाला छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब अवरोही और आरोही क्रम में रखा जाए तो ऊपर से माने अवरोही से रखा जाए तो डिसेंडिंग ऑर्डर से जो चौथा कौन सी आएगी, तीसरी कौन सी आएगी, ऐसे भी पूछ लेता है। आइए देख लेते हैं वह कैसे लगाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि 2/5 दिया गया है, ऐसे प्रश्न दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए 2/5, फिर क्या दे दिया 3/8, फिर क्या दे दिया 4/9, फिर क्या 5/13, फिर क्या दे दिया 6/8। इसको अवरोही क्रम में रखा जाए तो चौथी भिन्न कौन होगी, अवरोही क्रम में रखा जाए तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। अब पुनः ट्रिक चलिए, हमने आपको ट्रिक बताया ही था कि अगर हम जो है अवरोही माने सबसे बड़ा रखना है यहाँ पे, अब यहाँ फिर ये बड़ा है और ये क्या है छोटा हो गया, ये सब में आपस में है, तो करना क्या है ऊपर वाले को ऐसे रखेंगे और नीचे वाले को 5 में से 2 गया 3 हो गया, ऐसे यहाँ करेंगे 8 में से 3 गया 5 हो गया, फिर 9 में से 4 गया 5 हो गया, 15 हो गया, 13 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक तरीका है सबका एलसीएम ले लीजिए, या आप डायरेक्ट क्या करेंगे पहला स्टेप और दूसरे स्टेप में भाग दे दीजिए, तो कितना भाग देंगे तो कितना जाएगा 18 हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर 5/8 40 हो जाएगा, फिर 8/6 48 हो जाएगा और आपका 2 बजेगा 8/2 16 हो जाएगा 1.0। देखिए सेकंड स्टेप में आ गया, अब आपको करना क्या है, पूछा